हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर के आया हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति। हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। अब यहाँ पे दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट? एक 2D और 3D, है ना, 2D और 3D। 2D में बेसिकली आपको दो चीज़ निकालना होता है। पहला आपका क्या निकालना होता है? तो पहला है आपका परिमाप, या तो परिमाप निकालने आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे विकर्ण निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या तो आपसे क्षेत्रफल यानी एरिया आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो आइए पहले मैं फॉर्मूला की बात कर लूँ कि ये वर्ग और सबसे पहला जो टॉपिक होगा इनमें, देखिए ये जो क्षेत्रमिति है वो डिफरेंट डिफरेंट फिगर का चैप्टर है। जब आप यहाँ पे क्षेत्रमिति यानी एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है? बेसिकली इसमें जैसे कि मान के चलिए कोई ज़मीन है, तो कोई ज़मीन आपका त्रिभुजाकार यानी कि तीन इस लेवल के बना हुआ होगा, इस लेवल का, या तो फिर चौखुट रहता है, या तो फिर सर्कुलर भी रहता है यानी गोलाकार भी रहता है। तो इन सब का क्षेत्रफल यानी बीच में जो एरिया है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप है फिगर का वो मैंने दिया है आपका हेडिंग में, आप दे लें कि सबसे पहला हेडिंग आपका स्क्वायर होगा, यानी हिंदी में उसको वर्ग कहते हैं। और वर्ग को किस तरह से, यानी कि अगर एक प्लॉट है तो कैसे पहचानेंगे कि वो स्क्वायर में है या वर्ग में है? तो स्क्वायर में कैसे पहचानते हैं? तो देखिए, इसका जो चारों भुजा आपको दिखाई दे रहा है वो चारों भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। वो चारों भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी अगर इसका वैल्यू a है, इसका लंबाई a सेंटीमीटर है, तो ये भी a सेंटीमीटर होगा, ये भी a सेंटीमीटर और ये भी a सेंटीमीटर होगा। अगर ऐसा कोई प्लॉट आपको दिखाई दे, कोई ज़मीन आपको दिखाई दे, है ना, या फिर कोई और वस्तु दिखाई दे, तो वैसे केसेस में आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? आपका वर्ग है, वर्गाकार है, यानी कि स्क्वायर में है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि इन चारों भुजाओं को जब जोड़ते हैं, तो चारों भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो जब चारों भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप मिलता है। तो साइड साइड वाला टोटल लेंथ को अगर स्ट्रेट कर दिया जाए, सीधा कर दिया जाए, तो उस लेंथ को, पूरा लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, यानी पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे परिमाप का एक फॉर्मूला लिख लीजिए, तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर बी से डिनोट करेंगे। और पेरीमीटर बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली आपको क्या करना क्या है, ये आपका भुजा है ना, ए है, तो यहाँ पे अगर ए को ए जोड़ेंगे, फिर से ए जोड़ेंगे, फिर से ए जोड़ेंगे और फिर से ए जोड़ेंगे, ये चारों ए को जोड़ देंगे तो आपका, जैसे मान के चलिए अगर ए में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, इसका भी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 4 और इसका भी 4, तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका? तो परिमाप आपका ये हो जाएगा कि चारों वाला 4-4 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। 4, 4, 4 और 4 सबको जोड़ेंगे तो परिमाप निकल जाएगा, यानी कितना? 4 चौके 16। तो ऐसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बताए हैं आपको कि जब ऐसे नंबर, बराबर नंबर को बार बार जोड़ना है तो उसको और कैसे लिख सकते हैं? तो पता चला कि 4 बार जोड़ना है किसको? तो 4 को, यानी कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि 4 × 4 × जो भुजा का लंबाई है ना, 4 × एक भुजा का लंबाई, 4 × 1 भुजा की लंबाई, क्लियर है ना। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल। तो ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा, क्षेत्रफल इंग्लिश में हम इसको एरिया कहते हैं, यानी कि ए से डिनोट करेंगे, और क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर, यानी कोई भी एक भुजा की लंबाई ले लेंगे और उसका स्क्वायर निकाल देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? ये बीच का पूरा एरिया मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्लियर है ना।
उसके बाद मैं बात करता हूँ विकर्ण की। जो इधर वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये क्रॉस एक डायगोनल से सामने वाले डायगोनल को मिलाने वाला रेखा को क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। डायगोनल का आमतौर पे फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं, डायगोनल यानी विकर्ण का, तो अगर कभी भूल जाए तो इसको आप खुद से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चूंकि आप ये वर्ग है तो वर्ग आपका ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो हर वर्टेक्स इसका जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये आपका क्या है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि ये आपका क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। तो एच बराबर यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा ना बी सी स्क्वायर। ये दोनों को का स्क्वायर को जोड़ते हैं तो ए सी स्क्वायर के बराबर आता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे चलिए कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, आपको ए सी का वैल्यू चाहिए, यानी ए सी को ही तो विकर्ण कहा गया है, तो ए सी का वैल्यू चाहिए, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसका कुछ लंबाई मान लें, तो यहाँ पे अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो यहाँ पे अगर लंबाई इस ए बी का लंबाई ए है तो बी सी का भी ए बी का लंबाई ए है तो इसका भी लंबाई ए हो जाएगा। तो ए यहाँ पे अगर हम माने हैं तो इसका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो अंडर रूट टू ए स्क्वायर। तो ए आपका देखिए स्क्वायर के रूप में है तो ए तो बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बच गया, तो सिर्फ रूट टू बच गया अंदर में। तो ऐसे केसेज में आप बोल सकते हैं कि ये जो विकर्ण है उसका क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर हो जाता है आपका, विकर्ण बराबर हो जाता है ए, यानी कि ए ना लिख करके ए किसको माने थे, भुजा को माने थे ना, तो आप बोल सकते हैं भुजा भुजा गुना रूट टू, भुजा गुना रूट टू हमेशा यही आएगा। तो तीन फॉर्मूला मैंने आपको बताया वर्ग पे, एक क्या परिमाप बताया, चार गुना एक भुजा की लंबाई को उसमें इंटू कर दीजिए, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना हो तो एक भुजा पे एक भुजा की लंबाई को स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और विकर्ण निकालना हो तो जो भुजा की लंबाई है, जो एक भुजा की लंबाई है, अगर उसमें आप रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका क्या निकल जाएगा, तो वो आपका निकल जाएगा विकर्ण निकल जाएगा। अब विकर्ण के आधार पर अगर भुजा निकालना है, विकर्ण के आधार पर अगर भुजा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हमें भुजा निकालना है, तो अगर भुजा निकालना है तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो जो विकर्ण है, जो विकर्ण है, विकर्ण का जो लंबाई होगा, अगर उसमें हम ये रूट टू को इधर भेज देते हैं तो रूट टू डिवाइड में हो जाएगा ना। तो अगर भुजा निकालना है तो विकर्ण डिवाइडेड बाई रूट टू करना पड़ेगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो विकर्ण निकलेगा रूट टू से, और डिवाइड करेंगे रूट टू से तो आपका क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। क्लियर है? तो इन सब फॉर्मूलाज को आप लोग नोट कर लें, उसके बाद इससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन आप लोग का करवाऊंगा और देखते हैं कि आप लोग में से, देखिए क्षेत्रमिति एकदम बहुत ही इजी चैप्टर है, बस फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसमें सबसे ईजी पार्ट जो होता है वो वर्ग ही होता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाया नहीं जा सकता है, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो, आयत भी हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी ईजी पार्ट है। हाँ, त्रिभुज में आपका इजी पार्ट इसलिए नहीं होता है कि त्रिभुज में भी कई तरह का प्रकार होता है, क्योंकि त्रिभुज एक जैसा नहीं होता है। तो त्रिभुज अगर विषमबाहु त्रिभुज है, हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में मैंने बताया कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, इसमें भी मैं बताऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होता है, सर्कल में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि सर्कल और त्रिभुज मिला करके मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें और प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले मैं इजी सेक्शन से स्टार्ट किया है मैंने, स्क्वायर से यानी कि वर्ग से। तो आइए अब वर्ग का क्वेश्चन देखते हैं, और फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो आप लोग बनाने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक मैंने लिया है, इसमें कुछ घुमाया नहीं है, एकदम एक क्वेश्चन बेसिक लेकर के चल रहे हैं ताकि आपका फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर हो जाए। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 12 मीटर है, यानी जब भुजा की लंबाई बोला गया, यानी एक भुजा का के बारे में बोला गया, ये एक आपका वर्ग है तो लंबाई कितना है, 12 मीटर है, तो सभी 12 मीटर हो जाएगा, जब एक 12 है तो सभी 12 मीटर हो जाएगा। तो 12 मीटर है तो इस वर्ग का पहले परिमाप निकालना है, फिर क्षेत्रफल, फिर विकर्ण निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है आपको, वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करें।
आइए मैं बताता हूँ, परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है आपका, तो परिमाप बराबर होता है चार गुना भुजा की लंबाई, यानी एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार गुना भुजा की लंबाई कितना है एक भुजा का, 12 है, तो 12 से गुना कर देंगे, यानी 12 चौके 48 आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को जोड़ के भी देख लीजिए तो 48 ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है, तो भुजा स्क्वायर, क्या लिखवाया है, तो भुजा स्क्वायर, जहाँ पे भुजा आपका कितना दिया गया है 12 मीटर दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको मैं आगे क्लियर करूंगा ये क्वेश्चन बनाने के बाद, कि इसका यूनिट जो आता है, जो आंसर आता है वो किस यूनिट में रहता है, मीटर में कौन रहता है, कौन मीटर स्क्वायर में रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और क्यों ऐसा होता है, देखिए क्षेत्रफल हमेशा आपका मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा और परिमाप दिया रहेगा आपका हमेशा मीटर में, अगर मीटर में है तो मीटर में ही, और क्षेत्रफल आपका मीटर में अगर दिया गया है भुजा, तो क्षेत्रफल किस में निकलेगा, तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो यहाँ पे हिंदी में इस तरह से आपका आंसर लिखा हुआ रहेगा 144 मीटर, 144 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, और हिंदी में लिखा रहे, इंग्लिश में लिखा रहेगा 144 मीटर स्क्वायर, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। ये क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी आप लोगों को भी अच्छे तरह से पता होगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का कमी है जिसके वजह से ये दिक्कत होता है। अब मैं बात करता हूँ विकर्ण की, तो विकर्ण अगर इसका निकालना है तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, तो भुजा में, भुजा में अगर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका विकर्ण निकल जाता है। तो यहाँ पे भुजा कितना है, तो 12 है, 12 गुना रूट टू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 रूट टू, और विकर्ण भी आपका मीटर में ही रहेगा, मीटर स्क्वायर में नहीं रहेगा। अब कौन मीटर में होता है, कौन मीटर स्क्वायर में होता है, ये कैसे डिफाइन किया गया, देखिए इसको एल्जेब्रिक मेथड से समझते हैं। अगर मैं बात करूँ कि 4x प्लस 3x इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7x, साधारण सा है, और जब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, लेकिन यही दोनों को जब गुना करेंगे 4x इंटू 3x तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 से 3 को गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, और x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो भी रहेगा वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, अल्फाबेट में जो भी रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चार गुना भुजा जोड़ना है, तो गुना करना है, तो चार में गुना करना है बेसिकली आपको कितना, तो भुजा, और भुजा आपका कितना है 12 नहीं है, 12 मीटर है, तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 12 × 48 क्या हो जाएगा, 12 × 48 एम ही ना होगा, लेकिन यही आपका स्क्वायर निकालना है, यानी कि 12 मीटर का अगर स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 पे भी स्क्वायर है और मीटर पे भी स्क्वायर है, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि 12m को गुना करना है 12m से, ये दोनों को जब गुना करना है तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144, और m को m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर होगा ना। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है कि भुजा में, यानी कि आपको 12 में किससे गुना करना है, तो 12 मीटर में आपको गुना करना है रूट टू से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 × √2 और यहाँ पर तो मीटर को किसी से गुना करना है नहीं, तो मीटर आपका वैसे ही उतर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर क्यों देते हैं और क्षेत्रफल में जब निकालते हैं तो स्क्वायर क्यों देते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे घुमाना शुरू करेंगे, बेसिक यही है, इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी एग्जामिनेशन में अब नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, वो हम लोग देखते हैं। आइए फ्रेंड तो देखिए क्वेश्चन में आपका कह रहा है इस बार, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 7.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, विकर्ण दे दिया गया है, किसका विकर्ण है, विकर्ण मतलब क्या कि ये अगर आपका भुजा है, स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इसका विकर्ण यानी इसका लंबाई दे दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस आधार पे आपको निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है क्या, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा का लंबाई तो आपको पता नहीं है, तो भुजा निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि भुजा बराबर क्या होता है, तो भुजा बराबर होता है आपका क्या, तो विकर्ण में, अगर विकर्ण में रूट टू से अगर डिवाइड कर दे तो मेरा क्या निकल जाता है, भुजा निकल जाता है। तो यहाँ पे आपका पता चल गया कि 7.2 डिवाइडेड बाई कितना है, रूट टू,
यही ना होगा, विकर्ण तो यही है और भुजा आपका रूट टू तो फॉर्मूला में है भुजा निकालने के लिए। अब आपको क्या निकालना है, भुजा का स्क्वायर निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल को एरिया से यानी ए से डिनोट करते हैं, तो एरिया अगर निकालना है तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर होता है ना इसका, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा आपका कितना निकल गया है, 7.2 डिवाइडेड बाय रूट टू निकल गया है। अब इसका स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसका स्क्वायर निकालना है, पूरे का स्क्वायर निकालना है, तो 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 2 × 7 = 14 यानी 28, 7 × 7 = 49 51 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई। अब रूट टू का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10 2 × 9 = 18 और 2 × 2 = 4 यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25.92 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? या इसको डायरेक्ट हम कर सकते थे कि यहाँ पे विकर्ण दिया गया है कितना, विकर्ण कितना दिया गया है, तो विकर्ण दिया गया है 7.2। तो विकर्ण के आधार पे अगर डायरेक्ट आपको निकालना हो, क्या विकर्ण के आधार पे डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल निकालना हो, तो आपको नॉर्मली ये करना है कि क्षेत्रफल अगर निकालना है तो भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा आपको दिमाग में है कि विकर्ण के आधार पर भुजा बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बटे रूट टू। तो डायरेक्ट यहाँ इसका स्क्वायर आप अगर निकाल लेंगे, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, तब भी आप मतलब ये स्टेप लिखने से आप बच जाइएगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आइए फ्रेंड जल्दी से वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक दिखाई दिया है, बोला गया है कि दो वर्गों का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो दो वर्गों का, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, और 32 सेंटीमीटर मीटर है, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। क्वेश्चन दरअसल कुछ और था, और मैंने यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, जो जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, प्रॉपर वो पूरा क्वेश्चन अगर लिखते तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हम लोग शॉर्ट करके उस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ताकि इसी में ऐड करके हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि एक बारी आप लोग बनाएं। बोला गया कि दो वर्गों का परिमाप दिया गया है, एक वर्ग का कितना है 24 है और दूसरे वर्ग का कितना है 32 है, तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका अगर परिमाप निकालना है, तो परिमाप दिया गया है और परिमाप का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया है कि 4 × भुजा। देखिए आपको निकालना है दोनों वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या पता होना चाहिए, तो क्षेत्रफल के लिए आपको भुजा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भुजा पता होना चाहिए, तो इससे भुजा निकल सकता है, 4 × भुजा का वैल्यू कितना है आपका, 4 × भुजा, और यानी ये पहला आपका क्या निकल जाएगा, देखिए पहला पहला का अगर मैं भुजा निकाल रहा हूँ तो इसमें पुट करेंगे तो पहला यहाँ पे परिमाप कितना है, 4 × भुजा का वैल्यू दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 4 × 4 = 24 यानी पहला भुजा आपका पता चल गया, पहला भुजा पता चल गया, भुजा 1 लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। क्लियर है?
अब उसके बाद मैं बात करूं कि अब एक और यहाँ पे दिया गया है कि चार गुना एक और भुजा दिया गया है, वो भुजा कितना है तो 32 है। तो यहाँ फिर से अगर काटेंगे तो 4 8 32, तो एक और भुजा, भुजा टू मेरा पता चल गया, भुजा टू पता चल गया कितना है तो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक और क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल टू निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर फिर से करेंगे यानी 8 8 64, ये आपका फिर से आ गया। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि दोनों क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल वन है और जो क्षेत्रफल टू है, यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा, तो पहले का कितना है क्षेत्रफल 36 है, दूसरे का कितना है 64 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैंने कहा था ना क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में निकलता है, तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा था कि इसी में अगर और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए, मतलब ये क्वेश्चन जो प्रॉपर था, प्रॉपर तरीके से जो दिया गया था वो क्या था वो भी देख लेते हैं हम लोग, इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन में अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और इस क्वेश्चन को मैं बढ़ाऊंगा और मैं चाहूंगा कि एक बारी वो क्वेश्चन भी आप लोग खुद से ही ट्राई करके बनाएं, मैं चाहूंगा कि एक बार खुद से ही ट्राई करके उस क्वेश्चन को बनाएं। देखिए यहां तक तो आपका बिल्कुल सही है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग, इन दोनों वर्गों, यहां तक आपका सेम है पूरी तरह से कि दो वर्गों के परिमाप, दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, योग के बराबर एक तीसरे इन दोनों वर्ग के, इन दोनों वर्ग के, वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल वाला एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को और उसके बाद समझा भी देता हूँ। मैं चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप लोग ये क्वेश्चन बनाएं, अगर बनाना चाहते हैं अभी से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज अभी से कर लें, और जो जिन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो एक बारी ध्यान से सुने। बोला गया कि दो वर्गों का परिमाप दिया गया है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, यहाँ तक पिछले क्वेश्चन के जैसा है। फिर क्या बोला गया, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग, जो हमने क्षेत्रफल का योग निकाला था ना, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, योग के बराबर क्षेत्रफल वाला एक तीसरा वर्ग, यानी एक और वर्ग है, तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वही उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल का आपको क्या निकालना है, तीसरे वर्ग का आपको परिमाप निकालना है कि उसका परिमाप क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि उसका परिमाप क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया पहला, पहला का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, तो अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूँ, देखिए शॉर्टकट में कैसे हम लोग मापते हैं, शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, पहला वर्ग का परिमाप दिया गया है 24 सेंटीमीटर, हमें भुजा निकालना है, तो 24 तो ये चार भुजा, ये देखिए अगर मैं बात करूं कि ये क्या है आपका वर्ग है, तो वर्ग का चारों भुजा का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, और इन चारों भुजाओं को जोड़ा गया होगा तो परिमाप मिला होगा 24, यानी ये चारों लाइन मिला करके क्या है, चारों लाइन मिला करके क्या बन रहा है आपका, तो ये आपका परिमाप बन रहा है, यानी ये चारों लाइन का वैल्यू दिया गया है 24, तो चारों चूंकि बराबर है तो इसको चार बराबर भाग में अगर बांटेंगे, यानी चार से डिवाइड करेंगे तो 6-6 बटेगा, 6 6 12 6 18 और 6 24, तो यहाँ पे अगर मैं भुजा की बात करूँ तो भुजा मेरा कितना हो गया, तो 6 हो गया, और हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि 36 होता है, क्लियर है ना। ठीक उसी तरह से क्षेत्रफल 1 हो गया, क्षेत्रफल 2 की मैं बात करूं,
तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 32 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 = 32, 8 बार में कट रहा है, यानी 8 का स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 64। फिर क्या कहा गया कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल का योग कितना निकल गया 100। तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, योग के बराबर मतलब 100 के बराबर, योग के बराबर यहाँ पे मतलब क्या होता है कि 100 के बराबर, तो 100 के बराबर क्या है तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 3 दिया गया है कितना तो 100 दिया गया है, यानी तीसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना 100 दिया गया है। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यही ना कह रहा है। तो यहाँ पे आपको निकालना है तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए तो आपको भुजा की लंबाई निकालना होगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल ना लिख करके हम भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होता है, और इसका वैल्यू दिया गया है 100, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो भुजा बराबर हो जाएगा जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा आपका, यानी कितना हो गया भुजा का लंबाई 10 हो गया, यानी तीसरे वर्ग का एक भुजा का लंबाई 10 आपको पता चल गया, तो चारों भुजा का लंबाई कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है, और परिमाप बराबर आपको पता है क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 40 आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो चलिए और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, 4√सेंटीमीटर मीटर कुछ भी बोल सकते हैं, 4√2 है, तो एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी यहाँ पे पहले तो हमको पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल पता चलेगा कि वो 2 गुना है, किसका 2 गुना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल 1 कितना निकल जाएगा, क्षेत्रफल 1 आपका क्या आएगा, तो भुजा स्क्वायर होता है, जबकि भुजा का वैल्यू आपका नहीं दिया गया, विकर्ण का वैल्यू दिया गया है, तो भुजा का वैल्यू क्या होता है, तो विकर्ण में अगर हम √2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है मेरा, √2 से डिवाइड करते हैं तो भुजा निकल जाता है, तो √2 से डिवाइड किया तो भुजा निकल गया, और भुजा का स्क्वायर क्या कहलाता है आपका, क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस तरह से आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, √2 से √2 कट जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकल गया 16। अब यहाँ पे बोला गया कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो एक अन्य वर्ग का हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो पहले विकर्ण निकालने के लिए भुजा तो पता हो, तो एक और क्षेत्रफल है उसका कितना है क्षेत्रफल, तो पहले वाले क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी 16 गुना 2 गुना मतलब 16 गुना 2 है, ये ना 2 गुना का मतलब हुआ, और क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या, भुजा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 गुना 32 है, तो भुजा स्क्वायर का वैल्यू है अगर 32, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा √32, ये ना होगा। और एक अन्य वर्ग का आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, जब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर होता है √2 × भुजा, भुजा का लंबाई निकल गया √32 निकल गया। तो सबसे पहले यही पे हम लोग चाहे तो इसको डिफाइन कर सकते थे कि √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √16 × 2, यानी कि 16 है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर निकल जाएगा यानी 4√2। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख देते हैं, 4√2 लिख देते हैं, उसके बाद √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर मतलब क्या कि 2 बाहर निकल जाएगा। देखिए जब ये दोनों को गुना करेंगे तो √2 का स्क्वायर निकलेगा ना, और स्क्वायर और रूट एक साथ कट जाता है, तो बाहर क्या निकल गया आपका, सिर्फ 2 निकल गया। तो विकर्ण कितना हो गया बेसिकली आपका 8 सेंटीमीटर, या 8 जो भी यूनिट में है रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो और सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। हम लोग अगले क्लास में वर्ग ही पढ़ेंगे, और अगर समय मिला तो फिर से नया फिगर की तरफ भी बढ़ेंगे।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। गुड बाय, थैंक यू सो मच।